अवेकिंग न्यूज़ के मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबर शुरू करने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। अब आए सुर्खियों पर नज़र करते हैं। अमेरिकी सदर तैयारी की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुंह के बल गिर पड़े। वजीर आजम जैसा झूठ नहीं बोलता, CAA लागू नहीं होने देंगे। फसाद, लूट, दुर्योधन, दुशासन और मीर जफर नहीं चाहते, ममता। वजीर आजम मोदी के खिलाफ बोलने का मतलब भारत माता के खिलाफ बोलना है, BJP लीडर। हिंदुस्तान का हर शहरी RSS में शामिल होगा, मनमोहन विद्या। इस्लाम के बारे में जानती हूँ क्योंकि मेरे वालिद मस्जिद जाया करते थे, प्रियंका चोपड़ा। कामयाबी के जश्न के दौरान तेलंगाना भवन में आग लगने का वाकया। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जेरे गौर, ठाकरे। कड़पा में आज कोरोना के 10 मरीज मुसद्दिका, जुमला तादाद बढ़कर 55,725 हो गई। हमारे नुमाइंदे खालिक अली खान की रिपोर्ट। रियासत में बल्दी इंतखाबात के नतायज से हुकूमत की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हुआ है, नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश SB अमजद बाशा। सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। अंजुमन तरक्की उर्दू ज़िले शाह कड़पा की जानिब से साबिका सदर अंजुमन मौलाना सैयद शाह मुस्तफ़ा हुसैन बुखारी का ताज़ियती इजलास, हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से कड़पा के एक कैंसर के मरीज को 2.5 लाख की मंजूरी, नायब वजीर आला AP अमजद बाशा। अब आए खबरें तफसील के साथ, समाप्त करते हैं। अमेरिकी सदर तैयारी की सीढ़ियां चढ़ते हुए मुंह के बल गिर पड़े। गैर मुल्की खबर रसा अदारे के मुताबिक अमेरिकी सदर जो बाइडन गुज़िश्ता रोज़ अटलांटा पहुंचे, जहां उन्होंने फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वाले एशियाई नजाद अमेरिकी शहरियों के रहनुमाओं से मुलाकात की। ताहम रवानगी से कबल जहाज़ में सीढ़ियां चढ़ते हुए अमेरिकी सदर मुतअद्दद बार गिरते हुए संभलते रहे। अमेरिकी मीडिया में सदर जो बाइडन के जहाज़ की सीढ़ियों पर गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर छाई हुई है। सदर जो बाइडन जैसे ही एयरफोर्स वन के सीढ़ियों पर चढ़ते तो एकदम से उनका पांव फिसला, लेकिन जो बाइडन ने खुद को संभाला और सीढ़ियां का सहारा लेकर खड़े हो गए। ताहम जैसे ही सीढ़ी पर अगला कदम रखा तो दोबारा नीचे गिरे और फिर अपना तवाजुन कायम ना रख सके। अमेरिकी सदर ने सीढ़ियों की रेलिंग को भी पकड़ने की कोशिश की, ताहम इस बार भी वो तवाजुन बरकरार ना रख सके और सीढ़ियों पर ही बैठ गए, जिसके बाद जो बाइडन खड़े हुए और पतलून ठीक करने के बाद जहाज़ में चले गए। वजीर आजम जैसा झूठ नहीं बोलता, CAA लागू नहीं होने देंगे। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने आज दौरे आसाम पर तनस्किया में एक अजीमुशान रैली की। अपनी तकरीर के दौरान उन्होंने कहा कि BJP आसाम को नागपुर से चलाना चाहती है, जहां RSS का दफ्तर है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी जुमा को 2 रोज़ा दौरे पर आसाम पहुँचे, जहाँ उन्होंने BJP और RSS को पुरजोर तरीके से तनकीद का निशाना बनाया। तनस्किया में इंतखाबी रैली से खिताब में राहुल ने कहा कि BJP आसाम को नागपुर से चलाना चाहती है, जहां RSS का हेडक्वार्टर है। वो चाहते हैं कि बाहरी लोग आए और जो आपका है इसे अपने कब्जे में ले लें, जैसे उन्होंने आपका एयरपोर्ट ले लिया। राहुल ने तनस्किया के लोगों के लिए BJP और कांग्रेस के दरमियान नज़रियाती फ़र्क को भी जाहिर किया। मैं यहाँ आपका टाइम ज़ाया करने नहीं आया हूँ, मैं आपसे 2-3 चीजें कहने आया हूं। मैं नरेंद्र मोदी जैसा नहीं हूं, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं और टी गार्डन्स के जो हमारे वर्कर हैं उनसे कह रहा हूं, इसको आप अच्छी तरह सुनिए। कांग्रेस पार्टी की यहां सरकार आएगी तो 6 घंटे के अंदर आपका 351 नहीं, आपका 365 हो जाएगा। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कहे, दुनिया के इकोनॉमिस्ट कह दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बता रहा हूं कि 365 गारंटी देके आपको आ रहा है।
फसाद, लूट, दुर्योधन, दुशासन और मीर जफर नहीं चाहते। ममता, बीजेपी को अलविदा, हम बीजेपी को नहीं चाहते, हम मोदी का मुंह नहीं देखना चाहते, हम फसाद, लूट, दुर्योधन, दुशासन और मीर जफर नहीं चाहते। दुर्योधन और दुशासन देवमलाई कहानी के दो मारूफ मनफी किरदार हैं। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इन दोनों किरदारों का नाम लेते हुए ज़ाहिरी तौर पर वज़ीर आज़म मोदी और मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह का हवाला दिया। ममता बनर्जी के अल्फाज में तीसरा किरदार मीर जफर का है, जिसने बंगाल में इक्तदार की खातिर ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज़ों का साथ देकर कौम से गद्दारी की थी और यह गद्दारी हिंदुस्तान को बड़ी महंगी पड़ी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान पर हुक्मरानी के लिए अंग्रेज़ों को कदम जमाने का मौका फराहम कर दिया गया था। सिंहगुप्त के आंदोलन तैयारी करे छिलाम, नंदीग्राम पर्यंत पहुँचे छिलाम एवं भूमि आंदोलन थेके भूमि के रक्षा करे छिलाम। ताई नंदीग्रामेर प्रति, खेजुरीर प्रति, कंटायेर प्रति, एग्रार प्रति, रामनगरेर प्रति, पटाशपुरेर प्रति, হলদিয়ার প্রতি, মহিষাদল বলুন, ময়না বলুন, তমলুক বলুন, পাশকুড়া বলুন, আমার একটা বিশেষ জায়গা আছে। আমাকে অনেকে বলেছিল তুমি নন্দীগ্রাম থেকে কন্টেস্ট করছো, অত দূর যাতা। वज़ीर आज़म मोदी के खिलाफ बोलने का मतलब भारत माता के खिलाफ बोलना है। बीजेपी लीडर बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के खिलाफ शदीद हमला बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी लीडर शिवेंदु अधिकार ने जुमा के रोज़ कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलना जमहूरियत और भारत माता के खिलाफ बोलना है। मोदी जी तो चुना हुआ प्राइम मिनिस्टर है, करीब करीब 3/4 मेजोरिटी उसकी पास है। मोदी जी के खिलाफ बोलना डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलना, मोदी जी के खिलाफ बोलना भारत माता के खिलाफ बोलना आता है। ममता जी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो वैक्सीन नहीं निकला, तो मोदी जी का वैक्सीन ही तो लेना पड़ेगा। पोलिंग एजेंट को ये भी कह रही है कि अगर सेंटर और स्टेट की पुलिस अगर आपको कहे हम उसकी रक्षा करेंगे बैलेट बॉक्सेस की, तो आप उन पर विश्वास ना करें, निगरानी करें, ये आपका काम है, उनका नहीं। ठीक है, ये सब बात उनकी बात नहीं है, इलेक्शन कमीशन को करना चाहिए। क्यों पॉलिटिकल पार्टी इसमें दखलदारी दे रहा है? हिंदुस्तान का हर शहरी आरएसएस में शामिल होगा, मनमोहन विद्या। आरएसएस में हिंदुस्तान के हर शहरी को कारकुन बनाया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में जानने और उसमें शामिल होने के लिए आज हिंदुस्तान का हर शहरी बेताब है। आरएसएस के जॉइंट जनरल सेक्रेटरी मनमोहन विद्या ने कहा कि बेंगलुरु में शुरू हुई आरएसएस की आला सतह मीटिंग में आरएसएस को आइंदा 3 साल के दौरान मजीद ताकतवर बनाने, इसको वसत देने की हिकमत अमली पर गौर किया जा रहा है। 2 रोज़ा सालाना अजलास अहमियत का हामिल है। आरएसएस ने राम मंदिर की तामीर के लिए जिस तरह की मुहिम चलाई थी, इसी तरह कोरोना वायरस के वबा पर काबू पाने के लिए भी आरएसएस के कारकुन ने मुल्क के कोने कोने में काम किया है, जो हिंदुस्तानी समाज की तहजीब और सामाजिक इतिहाद का मजहर है। यह संघ का स्टैंड है। संघ ने यह बात कई बार स्पष्ट की है, संघ आरक्षण के पक्षधर है और यह सामाजिक भेदभाव के चलते आया हुआ आरक्षण है, उस कारण ये आया है। अब और अभी भी सामाजिक भेदभाव का व्यवहार चल रहा है, इसलिए आरक्षण आवश्यक है, ऐसा संघ ने कई बार कहा है, आज भी संघ का यही स्टैंड है। इस्लाम के बारे में जानती हूँ क्योंकि मेरे वालिद मस्जिद जाया करते थे, प्रियंका चोपड़ा। बॉलीवुड की मशहूर अदाकारा और हॉलीवुड में भी किस्मत आजमाई कर चुकी प्रियंका चोपड़ा ने इस्लाम से अपनी वाकिफियत के बारे में एक इंटरव्यू के दौरान जानकारी दी। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मेरे वालिद मस्जिद में गुलोकारी के लिए जाया करते थे, इसलिए मुझे इस्लाम के बारे में कई बातें मालूम हैं। यह बयान प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकी की मशहूर टीवी एंकर ओपरा विनफ्रे के साथ इंटरव्यू के दौरान दिया। I didn't honestly take it very seriously when Nick was texting me, you know, कामयाबी के जश्न के दौरान तेलंगाना भवन में आग लगने का वाकया।
टीआरएस पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में आज शाम आग लगने का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि काउंसिल के इंतखाबात में हैदराबाद ग्रेजुएट हलके से टीआरएस उम्मीदवार वाणी देवी की कामयाबी के ऐलान के बाद तेलंगाना भवन में जश्न मनाया गया। पार्टी कारकुनों ने ज़बरदस्त आतिशबाजी की। इस दौरान एक पटाखा तेलंगाना भवन की इमारत के पोर्टेको पर फट गया, जिसकी नतीजे में आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग फैलने लगी। ताहम वहां मौजूद कारकुनों ने फौरी पानी की मदद से आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जेरे गौर। ठाकरे चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने जुमा को कहा कि कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए लॉकडाउन का तरीका दोबारा इख्तियार करना पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि रियासत में नए कोरोना केसेस का इजाफा तश्वीशनाक है। जुमेरात को रियासत में 24 घंटों के दौरान 25,833 नए कोविड केसेस दर्ज हुए हैं। में आज कोरोना के 10 मरीज मुसद्दिका, जुमला तादाद बढ़कर 55,725 हो गई। हमारे नुमाइंदे खालिक अली खान की रिपोर्ट। ज़िले कड़पा में आज कल के मुकाबले में कम अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हुए हैं। आज 10 अफराद कोविड 19 से मुतासिर हुए हैं, जिससे ये तादाद बढ़कर 55,725 हो गई। ताहाल 55,066 अफराद मुकम्मल सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हुए हैं, जबकि आज तक 533 अफराद की मौत हो चुकी है। महकमा पुलिस ने ज़िले में कोरोना वायरस के खात्मे के लिए आवाम से मास्क को लाजमी करने की हिदायत दी है, वरना कार्रवाई का इंतबाह दिया। हमारे नुमाइंदे ख्वाजा नवाज खान की रिपोर्ट। ज़िले कड़पा SP KKN अनुबराजन ने अहकाम के तहत आज ज़िले में बगैर मास्क के बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। 184 बगैर मास्क के बाहर निकलने वाले अफरादों के खिलाफ कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करके 41,513 रुपये जुर्माना आयद किया गया। अनुबराजन ने ज़िले के आवाम से सामाजिक जिम्मेदारी का लिहाज रखते हुए बगैर मास्क के बाहर ना निकलने की हिदायत दी, वरना कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने सामाजिक दूरी बरकरार रखने पर भी जोर दिया। रियासत में बल्दी इंतखाबात के नतायज से हुकूमत की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हुआ है। नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश SB अमजद बाशा, सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान की रिपोर्ट। अमजद बाशा ने आज बल्दिया बदवेल में चेयरमैन राजगोपाल रेड्डी के हल्फ बरदारी तकरीब में शिरकत की। उनके हमराह MP कड़पा YS अविनाश रेड्डी, कड़पा मेयर सुरेश बाबू भी मौजूद थे। इस मौके पर अपने खिताब में अमजद बाशा ने कहा कि रियासत के 11 बल्दी कॉरपोरेशंस और 75 बल्दियात में से अवाम ने YSR कांग्रेस पार्टी को 11 बल्दी कॉरपोरेशनों में और 75 के मिनजुमला 74 बल्दियात में तारीखी कामयाबी दी है। अवाम के इसी एतमाद से हुकूमत की जिम्मेदारियों में मजीद इजाफा हो चुका है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने इक्तदार संभालने के बाद से जो तरक्याती काम और आवाम की बहबूद के जो काम अंजाम दिए हैं, उसी ने आवाम के दिल जीत लिए हैं। इसीलिए आवाम ने सारी मुल्क में एक मिसाल कायम करते हुए तारीखी कामयाबी से हमकिनार किया है। आज रियासती हुकूमत जात पात फिरका पार्टी वाबस्तगी से हटकर तमाम मुस्तहिक अफराद को फ़ायदा पहुंचाया है, जिसके लिए अवाम ने हुकूमत की भरपूर तायद की है। कोरोना वायरस लॉकडाउन के बावजूद वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने तरक्याती कामों और आवाम की फलाह कामों में रुकावट नहीं आने दी। उन्होंने बदवेल बल्दिया की तरक्की को यकीनी बनाने का तयकीन दिया। अदे विधंगा परिवार राष्ट्र व्याप्त राष्ट्र प्रजलू संक्षेमा की मैं अभिवृद्धि की ओर जी गत विधा ये मैं जगह मुनपालिटी मैं कॉर्पोरेशन एन क अंजुमन तरक्की उर्दू ज़िले शाह कड़पा की जानिब से साबिका सदर अंजुमन मौलाना सैयद शाह मुस्तफ़ा हुसैन बुखारी का ताज़ियती इजलास। हमारे नुमाइंदे शब्बीर हुसैन की रिपोर्ट। अंजुमन तरक्की उर्दू कड़पा की जानिब से 21 मार्च सुबह 10 बजे
बमुकाम होटल शाही दरबार बैंकट हॉल कड़पा में खसूसी ताजियती इजलास मुनक्किद किया जा रहा है, जिसकी सदारत शेख अब्दुल सत्तार फैजी नायब सदर अंजुमन तरक्की उर्दू करेंगे। मेहमान खसूसी SB अमजद बादशाह नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश होंगे। सैयद हिदायतुल्ला सेक्रेटरी अंजुमन तरक्की उर्दू ने मुहिबान उर्दू से इस अजलास में शिरकत करने की ख्वाहिश की है। चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से कड़पा के एक कैंसर के मरीज को 2.5 लाख की मंजूरी, नायब वजीर आला AP अमजद बादशाह। हमारे नुमाइंदे खालिद अली खान की रिपोर्ट। नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश ने आज अपने कैंप ऑफिस में कड़पा के एक कैंसर के मरीज के इलाज के लिए चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 2.5 लाख रुपये मंजूर कराए और इस सिलसिले में ज़रूरी दस्तावेजात मुतल्लिका मरीज के हवाले किए। अमजद बादशाह ने कहा कि रियासत अवाम के किसी भी किस्म की महलिक बीमारी की सूरत में हुकूमत भरपूर ताउन करेगी। उन्होंने कहा कि कड़पा रिम्स में कैंसर के ताल्लुक से जदीद तर्ज का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की मंजूरी दी गई है, जो तमाम रायलसीमा में अपनी नौयत का बेहतरीन हॉस्पिटल होगा। नाज़रीन, ये थे अब तक के ताज़ा तरीन हालात। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ जानने के लिए और भी खबरें। अब लेता हूँ मैं इजाज़त, खुदा हाफिज़।